गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सपा के प्रवीण निषाद सहित 2 लोगों ने किया नामांकन, 5 लोगों ने खरीदा पर्चा। उपेंद्र शुक्ला बने भाजपा के उपचुनाव के प्रत्याशी, कहा हमेशा कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहूंगा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना की समिति की बैठक, होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने पर हुई चर्चा। अमृत कला वेदिका में दूसरे दिन भी जारी रहा चित्रकला प्रदर्शनी, कलाकारों ने कहा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है पेंटिंग। एसपी सिटी गणेश साहा, एसपी क्राइम आलोक वर्मा और एसपी ट्रैफिक के साथ व्यापारियों की हुई बैठक, दिया उनके समस्याओं के निस्तारण का भरोसा। 20 फरवरी को दीक्षा भवन में अपराह्न 3 बजे से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट का होगा प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने की बैठक, की गई शिक्षकों की बुनियादी जरूरतों पर चर्चा। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 सातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हुई मतदाता जागरूकता बैठक, एडीएम भू राजस्व व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी रहे मौजूद। और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल छात्रावास के लिए शुरू हुआ ट्रायल। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज 2 प्रत्याशियों ने डीएम कोर्ट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें निर्दल प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम सेहरा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निषाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राधेश्याम सेहरा ने 1 सेट में तो सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पर्चा दाखिला को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा आज 5 लोगों ने पर्चा खरीदा है। पर्चा लेने वालों में हृदय नारायण मिश्र, हरिप्रकाश, विद्याभूषण, उपेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश शामिल हैं। इनको लेकर अब तक 45 लोगों ने पर्चा खरीद लिया है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने कहा कि जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाव में विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई टक्कर नहीं है, बल्कि सभी लोग उनसे टक्कर ले रहे हैं। निर्वाचन के संबंध में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर गजेंद्र कुमार ने बताया, लेकिन हम समझ गए नहीं आइए थोड़ा सा, आइए चल के आइए 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 घुस जा रहा था घुमा दी।
चलिए नई फॉइल देख लीजिएगा प्रवीण जी। आज मान के चले कि अगर 34 साल से भाजपा का राज रहा है, आज के दिन माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज हमारे साथ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तीनों लोगों का अगर हमारे साथ सर पर हाथ है तो मैं निश्चित तौर पर इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये गोरखपुर सदर लोकसभा सीट मैं जीत कर हासिल करूँगा। क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? विकास के मुख्य मुद्दे होंगे जो इस गोरखपुर की लोकल समस्या है, जो यहाँ की गोरखपुर की जो समस्या है, इंसेफ्लाइटिस की समस्या है, सड़कों पे जो गड्ढे हैं, जो हमारे किसानों के जो कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, और जो बेरोजगार हमारे नौजवान साथी इधर उधर भटक रहे, इधर उधर रोजगार के चक्कर में उनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये सारी समस्याएं हैं। उन मुद्दों को लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। क्या लगता है आपको किससे टक्कर है आपको, कांग्रेस से या भाजपा से? नहीं, टक्कर तो वो उनकी हमारी है, हमसे उनकी टक्कर है, हमसे हमारी उनसे नहीं है। आज दो पर्चे समाजवादी पार्टी द्वारा दाखिल किए गए हैं और एक पर्चा निर्दलीय सदस्य द्वारा दाखिल किया गया है और पांच लोग आज भी नामांकन पत्र लेकर गए हैं। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना प्रत्याशी भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल को बनाया है। उपेंद्र दत्त शुक्ल पिछले कई दशकों से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। प्रत्याशी बनने के बाद गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान उपेंद्र शुक्ल ने बताया, महाराज जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे आप? महाराज जी हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर में 5 बार के सांसद के रूप में उन्होंने गोरखपुर को सजाया है, संवारा है और 10.5 महीने के मुख्यमंत्री के काल में गोरखपुर में विकास का जो उपहार उन्होंने दिया है वो हमारी पूंजी है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः लोकसभा का चुनाव जीतेगी और शानदार मतों से चुनाव जीतेगी। कई दशकों से आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सक्रिय कार्यकर्ता रहे, क्या कहेंगे, प्रतिफल है ये? नहीं, मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ, आगे भी कार्यकर्ता का ही जीवन जीता रहूंगा। उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी रजनीश चंद की अध्यक्षता में महानगर में शांति सद्भावना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद ने जनपद वासियों से कहा कि होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी मेल मिलाप एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु पूरी तत्पर है, शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं होगी। बैठक में शांति समिति के सदस्य अब्दुल्ला, दुर्गेश बजाद और अन्य सदस्यों ने भी अपने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए संपन्न कराने के लिए अपने सुझाव भी दिए, जिस पर एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली के मौके पर विद्युत और जल आपूर्ति अनवरत जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बेहतर साफ सफाई व्यवस्था रहेगी। उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया है कि नाले नालियों से निकलने वाले मलबों को अविलंब हटा दिया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि चिकित्सीय व्यवस्था बेहतर रखें तथा स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर मौजूद रहें। उन्होंने ये भी बताया कि होली पर्व के अवसर पर शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, कंट्रोल रूम निरंतर क्रियाशील रहेगा, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने थानावार शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनय सिंह ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा
व्यवस्थित रहेगी तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम होली में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा। बैठक में SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, उप जिलाधिकारी सदर राहुल पांडे, ACM दिनेश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। तो अभी लंबा अंडरग्राउंड हमारा काम होना है, ये कम से कम 2 महीने तक तो मिनिमम चलेगा। हम लोग खुद उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आता तो काम हो नहीं पाता। नहीं नहीं, शायद यही नहीं, शायद आपसे भी मेरी बात हुई थी, वो उनका कहना था कि 13-14 तारीख तक हम सारा काम अब कंप्लीट कर नहीं रहे हैं। बोली आ रहा तुम्हारा, हम पूरा प्रॉपर से काम ले नहीं पा रहे हैं, लगेगा नहीं काम है नहीं। विषय अंतर न हो हम लोगों का, ये बताइए कि आप लोग पुराना आ रहे हैं, उसको कर ही नहीं पा रहे हैं 10 दिन। कौन नहीं कर पा रहा है? मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, सद्दाम प्रॉपर मिल नहीं पा रहे हैं, तो होली के संदर्भ में हम लोग बात करना चाहते हैं, कुछ मशवरा। जुमा दिन पड़ गई शुक्रवार, तो जुमा के दिन 12 बजे से मस्जिदों में हम लोग जाना शुरू कर देते हैं, 12 बजे मस्जिद के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में इस बार अगर जो होली का रंग, अभी तो जरूरी नहीं कि सायरन 1 बजे ही बजता है, बीच में होली का रंग कोई फेंक दे, रास्ते में 10 नमाजी जा रहे हैं, ऐसे में शांति समिति के सभी मेंबरों की जिम्मेदारी है कि मोहल्लेवार थानेवार आप जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, अपने क्षेत्र में एक माहौल बनाइए कि हमारे जो भी इस मुल्क के भाई हिंदू हैं, हमारे बड़े भाई, हम मुस्लिम छोटे भाई, तो हम लोग ऐसा मिलजुल कर माहौल बनाए कि जुमा की नमाज भी अदा हो जाए और होली का जलूस भी सकुशल निकले। तब तो वह बुरा फेंकती थी और वो बुरा नहीं मानते थे, जब वो बीमार पड़ गई तो देखने गए। ये है, हमें इस बात की फिक्र करनी है, इस सफेद कुर्ते पे दाग लग गया तो प्यार का दाग है पंडित जी, ठीक है? तो हम लोग जो है अपने इलाकों में इस पर कोशिश करेंगे। इमाम चौक पब्लिकेशन कमेटी के अब्दुल्ला साहब अपनी पूरी टीम के साथ पूरा लगे रहते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक अब्दुल्ला साहब, इस बार भी आप मेहनत करेंगे। हमारे बीच में खैरुल बशर साहब आए हैं, दसवीं IAS एकेडमी के डायरेक्टर साहब, पहली बार मैं चाहता हूं कि, और एक गुजारिश हमारे आदिल अमीन साहब यहां पर हैं, आप अपनी टीम के साथ, जैसा कि रहमत नगर में उस तरह पूरा आप लगे रहते हैं, निजामपुर में आबिद अली शर्मा, आबिद अली साहब, तो मैं ये हम लोगों के ऐसे हालात क्यों आए कि हम मस्जिद और मजारों को ढकें, जो ना समझी में कुछ नशे में ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से भी मामला होता है, तो शासन की तरफ से शराब तो बंद ही हो जाती है। जैसे भक्त प्रहलाद का मसला कि भक्त प्रहलाद को होलिका उनकी बुआ गोदी में लेकर बैठ गई, हिरणा कश्यप आए और जंघा पे रख के चीर दिया, किसको भाई, किसको चीरा था बता दीजिए, अपनी बात कहो। इतिहास को पढ़ना होगा कि हमें होली क्या मैसेज देती है, भक्त प्रहलाद क्या मैसेज देते हैं। ये शांति का विजय का पर्व है, हम उसको शांति से मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को होली के पावन शुभ अवसर के पहले तो हार्दिक बधाई, दूसरा चूंकि होली शांति का त्यौहार है और भाई साहब ने अभी बताया कि अगर कुछ वहां पे क्षतिग्रस्त है उसको विशेष ध्यान दे दिया जाए, दूसरा बिजली पानी चूना सारी व्यवस्था में नदियों की तरफ से हर साल होती है उसकी व्यवस्था हो जाए, जगह जगह पर टैंकर लगाए जाते हैं उसकी व्यवस्था हो जाए, दूसरा घासी कटरा से लेकर के जाफरा बाजार तक खासकर पुलिस विभाग की व्यवस्था अपने हिसाब से देख ली जाए, क्योंकि वहीं ज्यादा व्यवस्था रहती है, इस वजह से और तो कुछ विशेष नहीं है। बाकी सभी लोगों को हार्दिक बधाई, पुनः होली की। मतलब कहने ये प्राचीन बात आई है, इसमें योगी जी जो उसमें लगातार घंटा करते हैं वो उसका रूप था गजगटा जाफर यार बेन होते हुए लगता रहा, तो उसमें तारा जब उसमें ज्यादा कम था तो आदमी उसमें एक आदमी कहीं से कोई बदतमीजी करता रहा बेन एक था, वो उस पक्ष में कभी चुना और रंग डाले था रहा, और रंग डाले की कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति थी, उसने गाली सबको से ली देता पिछकारी की, वो गैस वाली पिछकारी थी उससे ली देता सब, तो वो देते नहीं कि वो भी जिम्मेदार थे। ये बात कोई दूसरा तीसरा ना जाने कि हाँ साहब इसके साथ ऐसा हुआ तो पता जाना कुछ नहीं हुआ और पूरे शहर में आता, तो
तो हम लोग दो साथी को मान्यता देते चुनाव मना के सूचना हम लोग चौथी फरवरी में दिया गया। उसके बाद हमारे साथ प्रशासन की तरफ से चुनाव आती है रखा जाती है कि अगर कोई ऐसा कोई हरकत करता है तो उसको हम खोज देते हैं। नहीं पर्वरी बात है हमारा नहीं बात है। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को मतदाता सूची, बूथों की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की तथा मतदान के समय सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की अपेक्षा भी इस बैठक में की गई। बैठक में मुख्य रूप से एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम सदर राहुल पांडे के अलावा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता दिलीप निषाद, कम्युनिस्ट पार्टी के राम मूर्ति सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। मतदाता सूची है सर, सरपंच सूची में इंदिरा पब्लिक स्कूल अधियारी बाग ये प्रिंटेड है, जबकि जो बूथ की सूची है बूथ लिस्ट उसमें लिखा हुआ है इंदिरा पब्लिक स्कूल अधियारी, लेकिन जो मत पड़ता है जो बूथ पहले से बना हुआ है वो है महादेव प्रसाद सिंह यूनियन हाई स्कूल गोरखपुर मणिपुर। गोरखपुर शहर का है प्राथमिक विद्यालय बरगरवा है, इसमें कुल 3 बूथ हैं सर। यहाँ 2 बनते थे सर, वोटर बढ़ने की वजह से 1 और बूथ क्रिएट हुआ है सर। 2 कमरे थे, 2 बूथ बनते थे पहले से बन रहे सर, तीसरा जो बना है क्रिएट हुआ है उसको सर शिफ्ट किया ये संशोधन नहीं इसको बाय इलेक्शन मैंने करिए अगले में जब ये बूथ लिस्ट आप जारी कर दीजिएगा। बूथों की संख्या नहीं बढ़ रहा है हाँ। इसमें है 200 आपका प्राथमिक विद्यालय बरगदवा में 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, ये 3 बूथ हैं प्राथमिक विद्यालय में, कुल 2 कमरा है। और पहले जो है 2 ही बूथ रहते थे, ये मध्यस्थों जो संभाजन हुआ अक्टूबर में ठीक है वो तो एक बूथ बढ़ा तीसरा बढ़ गया सर उसको ठीक है। ये बूथ पहले नहीं था, 2 बूथ के 3 बूथ हुए, क्योंकि आपने वो संख्या आप समझाइए कितने संख्या से कितने संख्या का मानक बन गया है। 1400 से अधिक वोटर अब नहीं होने हैं क्योंकि वीवीपैट से चुनाव होना है उसमें, तो आप कहाँ ले आना चाहते हैं उसका वो वोटर कहाँ के। ये सर है लेते हैं छोटा सा अल्प विराम, जल्द लौट के आते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा अमृत कला वीथिका में किया जा रहा है। 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले चित्रकला प्रदर्शनी में भारी तादाद में युवा शिरकत कर रहे हैं। प्रतिदिन विश्वविद्यालय और संबंधित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं अमृत कला वीथिका सभागार में आकर चित्रकला को देख अपने कला के प्रति उत्सुकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी को देखने आए कुछ छात्राओं से गोरखपुर न्यूज ने बात की और उन्होंने बताया। Thank you.
मतलब किस तरह के सामानों को हम यूज करके अपनी कला को और अधिक मतलब विस्तार कर सकते हैं? अभी ये एक पेंटिंग थी जिसके बारे में आप बता रहे थे, वो शिवलिंग वाली, इसके बारे में कुछ बताइए आप जी। इसमें इसके सेंटर में शिवलिंग बना हुआ है और इसमें सभी में आपको आग दिखेगा, अग्नि में उसको पार्वती जी से सिंबॉलिक किया गया है और इसमें सृजन का, इसका थीम सृजन है तो यहाँ पे सृजन के सिंबॉलिक पॉइंट्स दिया गया है और ऊपर जीवन की उत्पत्ति को रंगों से भरा गया है। इस तरह का आयोजन बहुत ही ज़रूरी है आज की जनरेशन में इस कला के क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो बहुत ही इस तरह का कम है, एक विश्वविद्यालय इस माध्यम में आगे बढ़ता है और हमारे यहाँ ये बहुत ही लगभग ज़्यादा नहीं हो पाता, कुछ ही होता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग को जानकारी मिलती है और हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है। इसी के माध्यम से हम लोग राज्य ललित में या ललित अकेडमी में इसके माध्यम से जाते हैं, शुरुआत हमारी यहीं से होती है, तो एक तरह से ये शुरुआत ही जैसे कह सकते हैं कि शुरुआत है हमारे लिए ऐसा एग्जीबिशन। सोमवार को व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी की अध्यक्षता में शहर के व्यापारियों के साथ उनके विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने बताया, तुरंत कार्रवाई थाने के स्तर से नहीं हो पाती और ये बहुत अच्छी बात है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारियों के कठिनाई करते हैं कि आने वाले दिनों में व्यापारियों की सुरक्षा हेतु जो अपराध पर नियंत्रण है वो आगे भी इस चीज को जारी रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले थे तो यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने इतना जल्दी कंट्रोल उन्होंने किया व्यापारियों के साथ बैठक करके और जो भी अपराधी थे आज भी उनका उदाहरण आज सामने है और हम लोग ये आशा करते हैं कि आज भी जो इस वर्तमान स्थिति है यहाँ की कुछ लगा है आगे भी लगा रहेगा और व्यापारी की सुरक्षा प्रदान होती है। आपका पेट्रोलिंग होता है वो चौराहे पे होता है, पेट्रोलिंग हमेशा गली होनी चाहिए, जो तीन जाता है तीन सवारी भी गली से ही चल रहा है, तो जो पेट्रोलिंग आपकी पार्टी है वो गली को भी एक आप हफ्ते में एक ही बार चेक करे, गली में भी चेक हो जाता है। दो बार हमारे साथ और जब भी जाते हैं वहाँ पे गाली गलौज करते हैं और मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे दुकान के सामने कोई ना कोई सामान रख देते हैं ताकि दुकान न खुल पाए और ये स्थिति काफी दिनों से है। बैंक रोड में जो ये हेल्ट बेल्ट वाले जो लगाए हैं, जैसा कि आपने कहा हम अतिक्रमण में आपके साथ हैं, एक बात ये होती है कि और हम लोग की स्पष्ट सोच है यदि किसी क्षेत्र में अतिक्रमण के द्वारा रोज हजारों आदमियों को कष्ट हो रहा है तो वहां हम आपके साथ हैं और हम लोग हर वक्त कहते हैं यदि आप किसी क्षेत्र में गोरखपुर के हर क्षेत्र में आपको व्यापारियों का सहयोग मिलेगा, तो ये जो समस्या अतिक्रमण, जैसा कि अभी हमने शर्मा जी से भी चर्चा की थी कि इधर कुछ दिनों से सीओ स्तर पर कोई उन्होंने जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की, उसको मारपीट हुई मेरे साथ, मतलब मेरे बाल खींचे गए, मेरे साड़ी खींची उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं थी और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जी। जी वो मेरे ऊपर हमेशा दंग करते हैं कि मैं भाजपा का नेता भी हूँ, वो लोग मेरे ऊपर हमेशा दंग करते हैं कि नेता होके कुछ भी नहीं कर पा रही है, इधर उन्होंने टटिया और गुंडी रख दी है, मैं दुकान नहीं खोल पा रही हूँ अपनी, कोई दिक्कत ये तो मैं बता रहा हूँ समस्या। चौराहे से कुनीपुर चौराहे आने में घंटों घंटों जाम लगा रहता है और हमेशा रोज ये दिक्कत रहती है। निदान जैसे अब आप लोग जब छत्ती करते हैं तो जो नकाश चौराहे पर दुकानें सिमैया की और आगे बढ़कर लगी हुई हैं वो दो दिन तो पीछे हट जाती है, फिर जैसा भी इन्होंने कहा कि दो दिन के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है, या तो उसका परमानेंट निदान जब तक नहीं निकलेगा तो एक इम्पॉर्टेंट चौराहा नकाश चौराहे भी आपको कोतवाली से पुनीपुर या लालडिगी जाना है किसी क्षेत्र में देख रहा हूँ आप तो रह चुके सर सब देख ही चुके हैं। इसमें एक और भी बात है कि एक दो जगह दुकानें जो परमानेंट लगी हुई है उन्होंने सब दुकानें भी आगे लगवा दी है रेंट में, अब स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती है, मेरे कहने का ये है
कि जब भी आपने अच्छा कहा कि जैसे आलोचना मतलब आपके साइड से आ रहा था हमारे साइड से भी बात आनी चाहिए। और इसमें मेरा ये निवेदन है कि जब या तो बहुत सारी चीजें थी जो पुलिस कार्रवाई में नहीं कहेगी जिस क्षेत्र में आप मिले थे आप जो कह रहे हैं मैं जाके देख चुका हूँ जो चौराहे के नाम पर ऐसा नहीं कि उछल है दिमाग से आग से। तो देखिये ये जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक बैठके का नहीं होने का सिलसिला है तो कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छी बात है कि आज बैठके हुए चले कब पिछले बार ने इसको हम एक्टिवेट करेंगे जैसे क्षेत्राधिकारी लेवल पे होते हैं थोड़ा सा आप भी इनिशिएट लीजिए कि नहीं सर क्यों नहीं बैठक हो रही है। मैं अपराध निरोधक समिति में भी माननीय अंगद सिंह के साथ में काम कर चुका हूँ कर रहा भी हूँ SPO भी हूँ और ये समस्याएं जो है क्योंकि आबकारी विभाग का नुकसान होता है आप मानवता के आधार पर तो वहां से हस्तांतरित करना अनिवार्य है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बगल में माता शीतला माता का मंदिर है बगल में बैंक है मस्जिद है और मंदिर में ही शराब की दुकानें हैं सामने जितने होटल वगैरह हैं वहां पर जो शाम छोड़ दीजिए दोपहर में ही लाइन लग जाती है क्योंकि अब लगन का समय है महिलाएं हमारे हिंदू महिलाएं जो है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की जनपद के व्यापारियों और उद्यमियों की और उनके प्रतिनिधि मंडलों की आज एक गोष्ठी आयोजित की गई उनसे संबंधित समस्या पुलिस विभाग से संबंधित है सुझाव है चर्चा किया गया और ऊपर कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन दिया गया और कार्यवाही से संबंधित समस्या त्वरित गति से कराई जाएगी और उनकी समस्या का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसी संबंध में एक कोऑर्डिनेशन बैठक व्यापारियों की व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अफसर होने के नाते आयोजित की गई और जो भी उनके द्वारा समस्याएं बताई गई है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित। 20 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में अपराह्न 3 बजे से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण होगा। ये जानकारी प्रभारी अधिकारी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट रजनीश चंद ने दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के गणित विभाग में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह उपाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रोफेसर उमेश कुमार यादव प्रोफेसर विनय कुमार सिंह प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता सहित अन्य शिक्षक व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने बताया देखिए क्या क्या हुआ इसमें आज कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक आवश्यक बैठक थी 3 बजे मजिछा भवन संख्या 113 में उसमें प्रस्ताव यह था कि अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि हीरापुरी कॉलोनी गेट के सामने जो रन दशहरा है बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती रहती थी उसको मुख्यमंत्री ने तत्काल संघ की मांग पर रन दशहरा को हटवा दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन भेजने के लिए कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मत से पास किया कि मुख्यमंत्री को एक धन्यवाद पत्र भेज दिया जाए। दूसरा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में के चेयरमैन हुए प्रोफेसर शरण विश्वकर्मा हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हों और प्रोफेसर के एन सिंह कल ही नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति। इन 2 आचार्यों के सम्मान के संबंध में कार्यकारिणी ने निर्णय किया कि उनसे बात करके कोई 30 नियुक्त कर ली जाए जब वो खाली हो तो उनका सम्मान हम लोग करेंगे। तीसरा यह है कि हीरापुरी कॉलोनी में पिछले 2 वर्ष पूर्व कार्यकारिणी से एक प्रस्ताव पास हुआ था वो बनाने का पार्क जो पार्क आधा अधूरा बना किन्हीं कारणों से कुछ विवाद होने की वजह से वो पार्क नहीं बन पाया था कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव पास किया है कि उस पार्क को पूरा करा लिया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव यह भी पास किया है कि जो शिक्षक कल्याण कोष है उसका जो 1 लाख रुपया धन है वो आज की बढ़ती हुई महंगाई के दौर में बहुत कम है किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए कोई बीमार पड़ जाए कोई बात हो जाए किसी की मृत्यु हो जाए उस राशि को बढ़ा दिया जाए। और अध्यक्ष के अनुमति से और बातों पर है तो बिजली पानी की जो समस्या रहती है उस पर बातचीत हुई और एक महत्वपूर्ण सबसे जो पिछली बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया था कि शिक्षकों को मेडिक्लेम की सुविधा दी जाए जैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय देता है 70% 30% 30% कर्मचारियों का होता है और 70% विश्वविद्यालय देता है उसी तरह शिक्षकों के लिए भी 70% जो है विश्वविद्यालय सामान्य खाते से दे और 30% जो है शिक्षक के का अंशदान हो उस आधार पर मेडिक्लेम की सुविधा शिक्षकों को दी जाए। और इन प्रस्तावों के साथ अध्यक्ष
बीते दिनों गीड़ा क्षेत्र में हुई लूट की घटना से जुड़े अपराधियों को धर दबोचने के लिए सीओ कंपियरगंज के नेतृत्व में एसओ सहजनवा, एसओ राजघाट और स्वाट टीम ने अपराधियों को पकड़ने के लिए खास रणनीति के तहत लूट के दो अपराधी राजन चौधरी निवासी डांगीपार थाना खोराबार और सोनू कुमार गौड़ निवासी सेंदुली वंदुली थाना खोराबार पकड़े गए हैं, जबकि तीन अन्य अपराधी भागने में सफल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से नगदी सहित एक अदद 315 बोर का कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। सोमवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ गणेश साहा ने कहा, जलवा में दो तीन दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, लगभग 5,20,000 की लूट हुई थी हमारे जला चढ़ाए से। उसी घटना का अनावरण आज के लिए पीसी की जा रही है, जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन व्यक्ति का आपको फरार चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो टिंकू श्रीवास्तव है, जो हैचरी में ड्राइवर का काम करते हैं, उन्होंने ही पूरी घटना की को कैसे किया जाएगा मुखबिरी की थी और पैसे कहाँ रखे जाते थे, कैसे ले जाते थे, सारी बातें उन्होंने बताई थी और उसके बाद ही इन्होंने प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस की सघन चेकिंग में जो हमें कुछ सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको दो लोग सुरेश चौहान और एक और व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं। 2,20,000 रुपये बरामद हुए, इनके पास एक कट्टा 315 बोर्ड का भी बरामद हुआ है। बाकी जो तीन लोग फरार हैं उसके लिए सघन चेकिंग अभियान किया जा रही है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बैनर तले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नार्मल स्थित डाइट के सभागार में संपन्न हुआ। इस जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम भू राजस्व बलराम सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा सहित कई छात्राएं मौजूद रहीं। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद एडीएम और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं और अधिकारियों द्वारा मतदान अवश्य करने के लिए शपथ भी लिया गया। उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए बलराम सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है और इस पर्व को मनाने के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। छह भरवा करके मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, बहुत बड़ी संख्या में युवा मतदाता जुड़े हैं जिनको पहली बार वोट करना है। तो आप लोगों में से कितने लोगों के फॉर्म से भर गए, कितने लोग मतदाता हैं आप, हाँ बताएं जरा। काफी संख्या में लोग हैं और बाकी अभी लोग 18 वर्ष पूरी नहीं किए, तब तक आप मतदाता नहीं बन सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो मिनिमम एज है मतदाता बनने के, लोग 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, वो लोग मतदाता बन जाए। दूसरा, हमारी 930 के आसपास है गोरखपुर का, 1,200 में 930 महिलाएं हैं, जबकि जो वोटर परसेंटेज है वो बहुत कम है, करीब 800 के लगभग है, तो ये बहुत ही कम है। हमें अभी बहुत सारी महिला मतदाताओं को जोड़ना है, तो इसलिए हम वोमेन स्पेसिफिक कैंपेन भी चला रहे हैं। जैसे अभी हमने रामगढ़ ताल पे जो है वुमेन चैन बनवाया था, उसमें केवल छात्राओं को ही भागीदारी हुई थी कि महिला वोटर जो पॉपुलेशन के सापेक्ष जो महिलाओं का वोट होना चाहिए, जो हमारी सूची में होनी चाहिए, वो नहीं है। बात 19 हो गई है, कल तक और नाम बढ़ेगा। तो आप लोग स्वयं तो मतदान करेंगे और स्वयं अगर किसी का वोट नहीं बनाया तो उसको बनवाएंगे। जो अगल बगल में आपकी महिलाएं रहती हैं, जो अशिक्षित है, जो लोग पंद्रह प्रथम में रह रहे हैं अभी तक, उनको भी जागरूक करेंगे कि भाई अपना। सोमवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए खेल छात्रावास के लिए एक ट्रायल का आयोजन शुरू किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल अरुणेंद्र कुमार पांडे ने कहा, ये ट्रायल उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, खेल छात्रावास, जिसमें 16 खेलों में उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में और मंडलों में छात्रावास स्थापित हैं। उन्हीं खेलों के छात्रावासों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लें
सुर्खियों पर। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सपा के प्रवीण निषाद सहित 2 लोगों ने किया नामांकन, 5 लोगों ने खरीदा पर्चा। उपेंद्र शुक्ला बने भाजपा के उपचुनाव के प्रत्याशी, कहा हमेशा कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहूंगा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना की समिति की बैठक, होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने पर हुई चर्चा। अमृत कला वेदिका में दूसरे दिन भी जारी रहा चित्रकला प्रदर्शनी, कलाकारों ने कहा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है पेंटिंग। एसपी सिटी गणेश साहा, एसपी क्राइम आलोक वर्मा और एसपी ट्रैफिक के साथ व्यापारियों की हुई बैठक, दिया उनके समस्याओं के निस्तारण का भरोसा। 20 फरवरी को दीक्षा भवन में अपराह्न 3 बजे से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट का होगा प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने की बैठक, की गई शिक्षकों की बुनियादी जरूरतों पर चर्चा। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 सातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हुई मतदाता जागरूकता बैठक, एडीएम भू राजस्व व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी रहे मौजूद। और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल छात्रावास के लिए शुरू हुआ ट्रायल। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।